सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और थैंक यू नरेश जी फॉर इनवाइटिंग अस। एक वंडरफुल टॉपिक है एक आपका ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग, तो उसको हम टेकअप कर रहे हैं आज, बिकॉज ये आप सब लोगों के साथ एक नई चीज होगी। बिकॉज ई इनवॉइसिंग फर्स्ट टाइम आप मतलब काफी लोगों के ऊपर फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा। इससे पहले जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर था उसके ऊपर एप्लीकेबल था 1 अप्रैल से, एंड लेस देन 20 करोड़ से जो नीचे वाले हो गए वो आपका उनका फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा। और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी डेट है वो आपकी, एक सेकेंड में अपना स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ई इनवॉइसिंग, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ई इनवॉइसिंग का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लेते हैं एक बार। ई इनवॉइसिंग जो है आपका, पहले क्या हुआ करता था, आप अपने जो इनवॉइस बनाते थे वो सारे के सारे मैनुअल फॉर्म में बनाते थे या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते थे आप। जो टैली, कोई टैली यूज करता था, कोई बिजी यूज करता था, या फिर कोई मैनुअल सेल बुक यूज करता था, ठीक है। अब इन्होंने जीएसटी के अंदर एक नया टर्म यूज करा है, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस का मतलब क्या होता है कि इन्होंने एक सेपरेट, बिल्कुल ऑल टुगेदर एक वेबसाइट बनाई हुई है, एक सेपरेट एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसके थ्रू आपको अपना इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है देन आपको उस इनवॉइस के अंदर एक एक स्पेशल नंबर होता है, स्पेशल कोड होता है, वो उसके ऊपर मेंशन होना जरूरी है, वरना उस इनवॉइस की वैलिडिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और वो इनवैलिड इनवॉइस हो जाएगा और डिफेक्टिव इनवॉइस हो जाएगा। और अगर आप कंटिन्यूअसली बनाते हैं देन उसके ऊपर आपकी पेनल्टी लेवी भी हो सकती है, ठीक है। पहले हम समझते हैं एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्लायर को, बायर को देना है। आप सेल करते हो कोई तो आपको ई इनवॉइस इश्यू करना है और अपने बायर को देना है वो। एंड सेकेंडली उसके बाद आपका जो सप्लायर है, सप्लायर जो है वो एक नोटिफाइड पोर्टल है जिसको हम आगे देखेंगे नोटिफाइड पोर्टल क्या है। वहां से वो जनरेट करता है इनवॉइस और वो आगे अपने बायर को शेयर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है और किस कौन सी केसेस में हमें ई इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ई इनवॉइस है आपको, पहले जो स्टार्टिंग में हम इनवॉइस ट्रिप्लीकेट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी इशू करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। एक सिंगल ई इनवॉइस जो है आपका वो दैट इज सफिशिएंट। आपको मल्टीपल इनवॉइसेस की कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। और इसको आप क्या नाम है, जो लिमिट है कि जो एप्लीकेबल है, हम लोगों को ये देखना है लास्ट के किसी भी सालों में टर्नओवर हमारा 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर अगर हमारा हो जाता है तो हम लोगों को टर्नओवर देखना है। टर्नओवर मेरे पिछले सालों में, टर्नओवर किसी भी एक साल में टर्नओवर अगर मेरा 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है देन मेरे केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा वो आपका 1 अक्टूबर के बाद से एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू क्या आता है, इश्यू ये आता है कि अगर मेरी कोई सेल 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर तक की मेरी सेल कवर एक्सीड करती है 10 करोड़ से ऊपर, तो क्या मुझे उस केस में ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। बिकॉज इसमें हमें जो टर्नओवर देखना है वो लास्ट के प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है, नॉट फॉर द करेंट ईयर। तो आपका टर्नओवर पिछले 2017 से लेके 31 मार्च 2022 तक किसी भी एक साल में टर्नओवर आपका 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है देन आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एल्स उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। अब इसमें एग्जेम्प्ट किसको करा गया है? एसईजेड यूनिट्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को, जेटीएस को और आपके मल्टीपल मल्टीप्लेक्स सिनेमा एडमिशन को भी एग्जेम्प्टेड करा गया है, तो इनको रिक्वायर्ड नहीं है। देन कौन कौन से केसेस में हमें इनवॉइस इशू करना है? जो हम इनवॉइस इशू करते हैं वो प्लस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इन तीनों केसेस में हमें अपना ई इनवॉइस इशू करना है। और हमें देना किस किस को, मतलब किस किस के केसेस में रिक्वायर्ड है? आप अगर कोई बी2बी सप्लाईज करते हैं, बी2बी से मतलब है आपका किसी आप रजिस्टर्ड यूजर को देते हैं, कोई भी आपका जो बायर है वो रजिस्टर्ड है उसको बी2बी सप्लाईज कहते हैं और आपको उस केस में ई इनवॉइस बनाना है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका क्या आता है, सप्लाईज टू एसईजेड। जो आपका एसईजेड जो है आपका एसईजेड में कोई भी आपकी यूनिट है देन उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना है
और अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है आप आउट ऑफ द कंट्री अगर आप कोई सामान भेजते हो या एक्सपोर्ट करते हो, देन उस केस में आपको ई इनवॉइस बनाना है, कंपलसरी है। और डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी आपको ई इनवॉइस बनाना है। तो अब बनाना किस केस में नहीं है, अगर मैं कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाई करता हूँ, मैं कोई B2C सप्लाई करता हूँ, देन उसके लिए मुझे ई इनवॉइस नहीं बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद आगे आपका ये जो ई इनवॉइस का पोर्टल है उसको यूज करके बनाना है, वो क्लियर है। देन मैं इसको आगे मेरे जो कलीग है मिस्टर महेंद्र सिंह जी, जो हम लोग टैली का जो भी काम करते हैं वो महेंद्र सिंह जी देखते हैं। तो महेंद्र सिंह जी आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे इसके बारे में कि ई इनवॉइस जो हम बनाते हैं वो टैली के थ्रू हम कैसे उसको जनरेट कर सकते हैं, और उसका पोर्टल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, और प्लस जो हमारा टैली से वो ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं वो महेंद्र सिंह जी बताएंगे। महेंद्र सिंह जी, ओवर टू यू, एंड थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए बाकी सारे लोगों को और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ठीक है, मैं आपको शेयरिंग राइट्स दे देता हूँ। थैंक यू प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। महेंद्र देसाई, मेरी आवाज आ रही है प्रतीक जी? हाँ जी, हाँ जी महेंद्र आ जी, रही है आवाज सर, आ आ रही है रही है, आपकी। आ ओके रही है, आ रही है। ओके वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रतीक जी ने थोड़ा सा अच्छा बताया कि ई इनवॉइस में 1 अक्टूबर से हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी। ये तो रहा थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनवॉइसिंग जो है वो टैली प्राइम में, टैली प्राइम आप जानते होंगे, टैली प्राइम एक टैली सॉल्यूशन का नया अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है। इससे पहले टैली ERP 9 था, ERP 9 को प्राइम में अपग्रेड किया है, जिसमें इनवॉइसिंग, ईवे बिल, ये सारे फीचर्स नए आए हैं। आज हम बात करेंगे इनवॉइस से रिलेटेड, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। प्रतीक जी स्क्रीन आई थिंक, हाँ मैं आपको वो राइट्स है। दे रहा हूँ, 1 सेकंड मैं दे रहा हूँ आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम से ई इनवॉइसिंग कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हमें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें हमें उसमें देखने वाली चीजें हैं। ई इनवॉइसिंग जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है CBIC द्वारा कि भाई 1 अक्टूबर से जिसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है उसको ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है। अब चाहे वो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या बिजी कर रहा है या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सबके लिए ई इनवॉइसिंग जरूरी है। ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद में ई इनवॉइसिंग बनाते टाइम टैली में हमें क्या क्या डिटेल डालनी है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो पार्टी का नेम, एड्रेस, GST, पिन कोड, ये जरूरी है। बायर की डिटेल, ये जरूरी है। कंसाइनी, अगर हमारा बिल कहीं और हो रहा है, शिप कहीं और हो रहा है तो कंसाइनी भी जरूरी है। डिस्पैच फ्रॉम, कहां से हम डिस्पैच कर रहे हैं मटेरियल को, वो जरूरी है। अगर हमारी आइटम इंडस्ट्री है तो आइटम की क्वांटिटी, रेट, यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, अमाउंट और आइटम का HSN, ये चीजें जरूरी हैं। इसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, अगर कोई डिस्काउंट है या कोई अदर चार्जेस है, अमाउंट, ये जरूरी है। लोकल इनवॉइस के अलावा अगर हमारे
एक्सपोर्ट इनवॉइस भी बनते हैं, तो उसमें शिपिंग नंबर, डेट, पोर्ट कोड, करेंसी और कंट्री कोड ये जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी के पास ई वे बिल भी एप्लीकेबल है, किसी कंपनी के पास अगर आइटम इंडस्ट्री है तो गुड्स को सप्लाई करने के लिए हमें ई वे बिल भी देना है। अभी तक अगर आप ई वे बिल यूज कर रहे होंगे तो ई वे बिल पोर्टल से ई वे बिल निकाल रहे होंगे, तो टैली से भी ई वे बिल निकल जाएगा, टैली प्राइम से। उसमें हमें क्या चीजें हैं, ट्रांसपोर्टर, डिस्टेंस, मोड और पिन कोड, ये सारी चीजें हमें टैली में जरूरी हैं। इसके बिना हमारा ई इनवॉइसिंग नहीं बन सकता। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट टू बी रिपोर्टेड टू ई इनवॉइस सिस्टम। कौन से डॉक्यूमेंट से ई इनवॉइस सिस्टम पे हमारा जो ट्रांजेक्शन जाएगी वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमारी होती है उसके लिए ई इनवॉइस बनेगा। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, उसके लिए इनवॉइस बनेगा जो टैक्स इनवॉइसेस होंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, रिवर्स चार्ज अगर एप्लीकेबल है आउटवर्ड सप्लाई और रिवर्स चार्ज आइटम और सर्विस दोनों के लिए। इसके अलावा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए भी ई इनवॉइसिंग जरूरी है। हम नॉर्मल इनवॉइस नहीं बना सकते अगर हम एक बार ई इनवॉइस में एप्लीकेबल हो गए तो। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी फॉर ई इनवॉइस। ई इनवॉइस की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो यहाँ पे हमारे पास सप्लायर है, हम एक जनरेट करते हैं स्टैंडर्ड इनवॉइस एक ERP सॉफ्टवेयर से। IRP ई इनवॉइस पोर्टल पे हमें कैसे GST सिस्टम पे लेके जाता है और बायर को इनवॉइस शेयर करता है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन से इनवॉइस बना रहे हैं तो उसका IRP रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। टैली से अगर हम इनवॉइस बनाएंगे तो टैली खुद एक GSP है, GST सुविधा प्रोवाइडर है टैली को, जो IRP पे रजिस्ट्रेशन कराता है हर एक GST नंबर का और डिटेल पहुंचाता है GST सिस्टम पे। फिर वहां से बायर अपने QR कोड को वेरीफाई करके GST का इनपुट ले सकता है। आगे चलते हैं, एफर्टलेस जनरेट ई इनवॉइस यूजिंग टैली GSP। टैली से एफर्टलेस ई इनवॉइसिंग हम GSP के थ्रू ई इनवॉइस पोर्टल से बना सकते हैं। GSP टैली सॉल्यूशन खुद है। फ्लेक्सिबिलिटी टू सेंड इंडिविजुअल सिलेक्टिव बल्क इनवॉइस टू IRP। टैली ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इंडिविजुअल इनवॉइस को भेज सकते हो, कुछ इनवॉइस सिलेक्ट करके भेज सकते हो, या फिर पूरे बल्क में 10, 20, 30 इनवॉइस एक साथ भेज सकते हो। तो ये भी टैली में फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे चलते हैं, एफर्टलेस जनरेट ई इनवॉइस अलॉन्ग विथ ई वे बिल। अगर किसी के पास ई वे बिल एप्लीकेबल है तो वो टैली से ही ई वे बिल बना सकता है IRP पोर्टल द्वारा। नो द स्टेटस ऑफ ईच इनवॉइस। IRP पोर्टल हमें एक सुविधा देता है कि ई इनवॉइस बनाने के बाद हमारा जो स्टेटस है ई इनवॉइस का, जनरेट हुआ है या नहीं, कैंसिल, रिजेक्ट, IRN रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इनवॉइस किस स्थिति पे है। आगे चलते हैं, जनरेट IRN फॉर पेंडिंग इनवॉइस। अब हमारे पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आज एक इनवॉइस बनाया या इनवॉइस सिंपल इनवॉइस बनाया हमने और अभी हमें उस इनवॉइस में अभी सारी चीजें हो सकता है हमें ना पता हो, तो हमें इनवॉइस पोर्टल पे नहीं भेजना। तो टैली ये सुविधा भी देता है आपको कि आप पूरे दिन में इनवॉइस बनाइए और शाम को जितने भी पेंडिंग इनवॉइस हैं सबको आप इनवॉइस पोर्टल पे IRP द्वारा भेज सकते हैं बल्क में। आगे चलते हैं, IRN कैंसिलेशन ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री। अगर डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है या कोई डेटा एंट्री मिस्टेक हो जाती है तो टैली से ही आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, टैली से ही, टैली में ही फीचर है कि आप ई इनवॉइस को कैंसिलेशन करके अपने बुक्स में भी उस वाउचर को कैंसिल कर सकते हो।
ये यहाँ पे एक स्टेटस आता है टैली में ही, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टैली में ही एक टैली सर्विस स्टेटस आता है। अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हैं कभी और आपको लगता है कि भाई ई इनवॉइस नहीं बन रहा, कोई एरर आ रहा है, तो टैली में ही हेल्प का एक ऑप्शन है, वहां पे आप अपनी सर्विसेज चेक कर सकते हो। टैली की सर्विसेज, ब्राउजिंग की, रिमोट की, डेटा सिंक्रोनाइजेशन की, ई इनवॉइसिंग की, ये सारी सर्विसेज स्टेटस में आपको यहाँ पे टिक मिलेंगी। और अगर आपका ई इनवॉइस पोर्टल पे भी कोई इशू है तो वो भी आपको थर्ड पार्टी सर्विस में यहाँ पे दिखाएगा, ई इनवॉइस सिस्टम सर्विसेज स्टेटस। यहाँ पे अगर अगर आपका क्रॉस आता है रेड में तो इसका मतलब वो सर्विस नहीं चल रही है। ये भी फीचर आपको टैली में ही मिलेगा। आगे चलते हैं। यू विल नेवर नीड टू गो आउट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ई इनवॉइसिंग। आपको ई इनवॉइसिंग के लिए और ई वे बिल के लिए प्रोडक्ट से अलग या बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टैली से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, टैली से ही आपका इनवॉइस बनेगा, टैली से ही आपका ई वे बिल बनेगा। आगे चलो। ये टैली में, टैली प्राइम में, अगर जो लोग टैली प्राइम यूज कर रहे होंगे अभी, तो उनके पास कुछ इस तरीके से एक फीचर्स का, एक F11 का फीचर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना GST वगैरह डाल के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। उसी में ही आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस की डिटेल भी मिलेगी। यहाँ से आप अपना ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों के दोनों फीचर इनेबल करके ई इनवॉइसिंग स्टार्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। जैसे ही हम इनेबल करेंगे इस विंडो पे आ जाएंगे हम। ये रहा एक डेमो इनवॉइस का। यहाँ पे आपको जैसे ही आपने इस फीचर को इनेबल किया है और आप एक इनवॉइस बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको बिल कहाँ से भेजना है, वो हम इम्प्लीमेंट के पार्ट में बताएंगे, ये अभी इंट्रो है। सेम ऐसे ही अगर किसी का ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी है, तो यहीं पे ही ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों का ऑप्शन मिलेगा। इसको यस करके आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके से ई इनवॉइस हमारा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास QR कोड आएगा, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट, और जो फॉर्मेट रहेगा वो एज इट इज टैली का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं। इनवॉइस जनरेट विथ एन एक्टिव TSS सब्सक्रिप्शन। अगर टैली का सब्सक्रिप्शन किसी का एक्सपायर्ड है तो उस पर इनवॉइसिंग नहीं बन सकता। लेटेस्ट रिलीज होनी चाहिए टैली प्राइम की। अगर किसी के पास टैली प्राइम नहीं है या ERP 9 है और एक्सपायर्ड नहीं है, तो वो अपना टैली ERP 9 अपग्रेड कर सकते हैं और इनवॉइसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट था वो यहीं पे खत्म है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू महेंद्र जी। एम आई ऑडिबल? आप मतलब सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। तो सर, इसमें महेंद्र जी ने काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है कि ये इनवॉइस टैली के थ्रू कैसे बनेगा। इसमें एक और एक एडिशनल वर्किंग करनी होगी, जो आपका ऑनलाइन जो ई इनवॉइस का पोर्टल है वहां पे आपको जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट करना पड़ेगा, और वहां से वो जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपको अपने टैली में डालने पड़ेगा, ई इनवॉइस की वर्किंग स्टार्ट होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, महेंद्र जी काफी टाइम से टैली में ही काम कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली इनके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और अभी ये लोग टैली जो यूजर्स हैं उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं रिगार्डिंग ई इनवॉइस, जिसमें फुली इंटीग्रेशन है, टैली से इंटीग्रेट करना जो पोर्टल है, वहां पे जाके जो भी टैली में आपको फीचर्स एड ऑन कराने हैं या जो भी आपको उसमें वर्किंग करनी है वो महेंद्र जी करके देते हैं सारे क्लाइंट्स को। और उसके अलावा जो आपका टैली से जो आपका ई इनवॉइस है उसकी वो ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड करते हैं कि आपको टैली से कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे उसमें जनरेट करनी, कैसे करना है काम पूरा उसमें, तो वो काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। एंड मतलब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500
क्लाइंट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी हुई है ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग एंड ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. तो ई इनवॉइसिंग और कोई भी क्वेरीज होती है तो वो आप अभी भी पूछ सकते हैं, और कुछ अगर फर्दर डिस्कस करना है या ट्रेनिंग चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड बहुत नॉमिनल चार्जेस ये चार्ज करते हैं, ज्यादा कोई फी चार्ज नहीं करते हैं ये, काफी नॉमिनल चार्जेस हैं. तो उसके लिए जो भी आपको अगर किसी को अवेल करनी है सर्विस तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी को अभी कुछ क्वेरी करनी है तो एक बार वो डिस्कस कर सकते हैं. और मतलब ई इनवॉइस के बारे में जो टैली मैक्सिमम यूजर्स तो टैली के ही होंगे, तो टैली से कैसे बनाना है इनवॉइस इन्होंने काफी सारी चीजें तो बताई दी हैं, और स्टिल किसी को नहीं समझ आया तो वो एक वीडियो को फिर से देख सकता है, और अगर उनको पर्सनली भी बात करनी है तो फिर वो पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं. तो आप बताइए क्या कुछ प्लीज है तो आप डिस्कस करें. एक मिनट जय प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी. तो मैं तो चाहता हूँ कि आप ये महेंद्र सिंह जी का कॉन्टेक्ट नंबर जो है से ग्रुप में मैसेज कर दें. दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, जो ट्रेनिंग करने का सेशन है इसमें कितना टाइम लगता है एक आदमी को? सर इसमें हाफ एन आवर का टाइम लग जाता है, हाफ एन आवर से 45 मिनट्स का. अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक घंटा पकड़ लीजिए. तो ये पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रेनिंग कराएंगे या ग्रुप ट्रेनिंग भी करा सकते हैं? नहीं, पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रेनिंग कराएंगे, क्लाइंट टू क्लाइंट सबके अलग अलग ट्रेनिंग कराएंगे. और ट्रेनिंग से सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रेनिंग होगी, आपके सिस्टम में आपके जो टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो सारी फीचर, हाँ वो सारी चीजें इंस्टॉल कराएंगे और सारी चीजें इंटीग्रेट कराएंगे वो. तो एंड टू एंड आपको कम्प्लीट बना के दे देंगे कि आपको सिर्फ इनवॉइस बनाना है उसके बाद और कुछ नहीं करना. उसका सिर्फ डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, बस बस डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, वो आपका सारा काम वहीं से हो जाएगा. एक बार जो आप इनका चार्जेस भी लोगों को बता दें, वो टैली सिस्टम जिसपे नहीं है वो इंस्टॉल करेगा तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग का कितना चार्ज देना पड़ेगा वो भी आप शेयर करा दें. दो तीन चीजें हैं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आपको कंप्लीट करिए अपनी बात. अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ, इसमें तीन चीजें आती है, तीन चीजें आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास टैली नहीं है वो टैली ले सकता है, और जिसके पास टैली है बट उसका ओल्ड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, क्योंकि टैली प्राइम पे ही चलता है ये इनवॉइस. तो कोई ERP 9 यूज कर रहा है, उससे पुराना वर्जन यूज कर रहा है, तो टैली प्राइम लेना पड़ेगा. और तीसरा, टैली प्राइम लेने के बाद आपको उसको इंटीग्रेट कराना है, उसको मतलब लिंक कराना है, तो आपको उसकी सर्विसेज मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग सर्विस लेनी पड़ेगी. तो तीन सर्विसेज इनकी ये प्रोवाइड करते हैं. तो टैली ERP 9 तो आप जो ले सकते हैं इनसे, इंडिविजुअल यूजर का है और मल्टीपल यूजर का है, और वो तो जो मार्केट रेट होता है वही रेट होगा इनका, ठीक है. और उसके अलावा जो आपका क्या नाम है अपग्रेड कराना है तो अपग्रेड भी सेम वही, जनरली ये जो लेते हैं वो अराउंड 7000 से 8000 के बीच में लेते हैं, बट फॉर द एसोसिएशन उन्होंने 50% रिडक्शन, 50% फीस रिड्यूस कर दी, बिकॉज एक नॉर्मल कॉज सोशल कॉज के लिए भी मतलब पूरे ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो 50% रिड्यूस कर दिया है. तो 4000 ये चार्ज कर रहे हैं फॉर द एंड टू एंड इंटीग्रेशन एज वेल एज फॉर द ट्रेनिंग. तो सारी चीजें उसमें आपको बताएंगे, 45 से 1 आवर का सेशन होगा इनका, जिसमें सारी चीजें बताएंगे, आपकी सारी क्वेरीज को क्लोज करेंगे वहां पे. तो और मतलब अगर कोई वैसे भी कोई बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे कनेक्ट करके सब फिर डिस्कस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वन टाइम सेशन ओवर हो गया फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं, बात नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज अ वेरी हेल्पफुल एंड जॉयफुल पर्सन. तो मतलब कभी भी कोई भी क्वेरी आती है तो ये कभी भी किसी को मना नहीं करते. तो यस, सो यू कैन अवेल द सर्विस और यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट.
सर दीपक भाई बोलो बड़ौदा से। हाँ जी बोलो बोलो भाई दीपक भाई। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे कभी काफी डीलर्स बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन करते हैं, जो फैक्ट्रीज को बाद में अपना जो प्रॉफिट है जनरेट करके इनवॉइस इशू करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ई वे दोबारा से जनरेट नहीं होता है, सिर्फ वो अपना कमीशन ऐड करके फैक्ट्री को इनवॉइस इशू कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? सर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप कोई भी बी टू बी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको इनवॉइस तो करना पड़ेगा जनरेट। ओके ठीक है, तो आप अपने बिल पे जीएसटी भी चार्ज करोगे और आगे वाला सामने sir. वाला पर्सन इस पे क्रेडिट भी लेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। yes, अच्छा वन थिंग मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये और बता दूं, जो आपकी जो इनवॉइस बन रहा है तो इससे आपकी जो मंथली रिटर्न जाती है आपकी जीएसटी R1 वो ऑटोमेटिकली बी टू बी इनवॉइस अपने आप ही पोर्टल पे चले जाएंगे, आपको फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। ठीक है और हाँ जी तो जो भी आपके बिल टू शिप वाले केसेस हैं उनमें सब पे करना पड़ेगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके तो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम। टैली प्राइम से ई इनवॉइसिंग कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हमें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें हमें उसमें देखने वाली चीजें हैं। ई इनवॉइसिंग जो अभी जो नोटिफिकेशन आया है CBIC द्वारा कि भाई 1 अक्टूबर से जिसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर है उसको ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है। अब चाहे वो टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या बिजी कर रहा है या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सबके लिए ई इनवॉइसिंग जरूरी है। ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद में ई इनवॉइसिंग बनाते टाइम टैली में हमें क्या क्या डिटेल डालनी है। अगर हम सेल कर रहे हैं तो पार्टी का नेम, एड्रेस, जीएसटी, पिन कोड ये जरूरी है, बायर की डिटेल ये जरूरी है, कंसाइनी अगर हमारा बिल कहीं और हो रहा है, शिप कहीं और हो रहा है तो कंसाइनी भी जरूरी है, डिस्पैच फ्रॉम कहां से हम डिस्पैच कर रहे हैं मटेरियल को वो जरूरी है, अगर हमारी आइटम इंडस्ट्री है तो आइटम की क्वांटिटी, रेट, यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, अमाउंट और आइटम का HSN ये चीजें जरूरी हैं। इसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, अगर कोई डिस्काउंट है या कोई अदर चार्जेस है, अमाउंट ये जरूरी है। लोकल इनवॉइस के अलावा अगर हमारे एक्सपोर्ट इनवॉइस भी बनते हैं तो उसमें शिपिंग नंबर, डेट, पोर्ट कोड, करेंसी और कंट्री कोड ये जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी के पास ई वे बिल भी एप्लीकेबल है, किसी कंपनी के पास अगर आइटम इंडस्ट्री है तो गुड्स को सप्लाई करने के लिए हमें ई वे बिल भी देना है। अभी तक अगर आप ई वे बिल यूज कर रहे होंगे तो ई वे बिल पोर्टल से ई वे बिल निकाल रहे होंगे तो टैली से भी ई वे बिल निकल जाएगा टैली प्राइम से। उसमें हमें क्या चीजें हैं, ट्रांसपोर्टर, डिस्टेंस, मोड और पिन कोड ये सारी चीजें हमें टैली में जरूरी हैं, इसके बिना हमारा ई इनवॉइसिंग नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट टू बी रिपोर्टेड टू ई इनवॉइस सिस्टम, कौन से डॉक्यूमेंट से ई इनवॉइस सिस्टम पे हमारा जो ट्रांजेक्शन जाएगी वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हमारी होती है उसके लिए ई इनवॉइस बनेगा। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, उसके लिए इनवॉइस बनेगा जो टैक्स इनवॉइसेस होंगे। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, रिवर्स चार्ज अगर एप्लीकेबल है आउटवर्ड सप्लाई और रिवर्स चार्ज आइटम और सर्विस दोनों के लिए। इसके अलावा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए भी ई इनवॉइसिंग जरूरी है। हम नॉर्मल इनवॉइस नहीं बना सकते अगर हम एक बार ई इनवॉइस में एप्लीकेबल हो गए तो। आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर ई इनवॉइस, ई इनवॉइस की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो यहाँ पे हमारे पास सप्लायर है, हम एक
जनरेट करते हैं स्टैंडर्ड इनवॉइस एक ईआरपी सॉफ्टवेयर से। आईआरपी ई इनवॉइस पोर्टल पे हमें कैसे जीएसटी सिस्टम पे लेके जाता है और बायर को इनवॉइस शेयर करता है। अगर हम एक सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन से इनवॉइस बना रहे हैं तो उसका आईआरपी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। टैली से अगर हम इनवॉइस बनाएंगे तो टैली खुद एक जीएसपी है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है टैली को, जो आईआरपी पे रजिस्ट्रेशन कराता है हर एक जीएसटी नंबर का और डिटेल पहुंचाता है जीएसटी सिस्टम पे। फिर वहां से बायर अपने क्यूआर कोड को वेरीफाई करके जीएसटी का इनपुट ले सकता है। आगे चलते हैं। एफर्टलेस जनरेट ई इनवॉइस यूजिंग टैली जीएसपी। टैली से एफर्टलेस ई इनवॉइसिंग हम जीएसपी के थ्रू ई इनवॉइस पोर्टल से बना सकते हैं। जीएसपी टैली सॉल्यूशन खुद है। फ्लेक्सिबिलिटी टू सेंड इंडिविजुअल सिलेक्टिव बल्क इनवॉइस टू आईआरपी। टैली ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इंडिविजुअल इनवॉइस को भेज सकते हो, कुछ इनवॉइस सिलेक्ट करके भेज सकते हो, या फिर पूरे बल्क में 10, 20, 30 इनवॉइस एक साथ भेज सकते हो। तो ये भी टैली में फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे चलते हैं। एफर्टलेस जनरेट ई इनवॉइस अलोंग विद ईवे बिल। अगर किसी के पास ईवे बिल एप्लीकेबल है तो वो टैली से ही ईवे बिल बना सकता है आईआरपी पोर्टल द्वारा। नो द स्टेटस ऑफ ईच इनवॉइस। आईआरपी पोर्टल हमें एक सुविधा देता है कि इनवॉइस बनाने के बाद हमारा जो स्टेटस है इनवॉइस का, जनरेट हुआ है या नहीं, कैंसिल, रिजेक्ट, आईआरएन रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारा इनवॉइस किस स्थिति पे है। आगे चलते हैं। जनरेट आईआरएन फॉर पेंडिंग इनवॉइस। अब हमारे पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आज एक इनवॉइस बनाया या इनवॉइस सिंपल इनवॉइस बनाया हमने और अभी हमें उस इनवॉइस में अभी सारी चीजें हो सकता है हमें ना पता हो, तो हमें ई इनवॉइस पोर्टल पे नहीं भेजना। तो टैली ये सुविधा भी देता है आपको कि आप पूरे दिन में इनवॉइस बनाइए और शाम को जितने भी पेंडिंग इनवॉइस हैं सबको आप ई इनवॉइस पोर्टल पे आईआरपी द्वारा भेज सकते हैं बल्क में। आगे चलते हैं। आईआरएन कैंसिलेशन ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री। अगर डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है या कोई डेटा एंट्री मिस्टेक हो जाती है तो टैली से ही आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो। ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, टैली से ही, टैली में ही फीचर है कि आप ई इनवॉइस को कैंसिलेशन करके अपने बुक्स में भी उस वाउचर को कैंसिल कर सकते हो। ये यहाँ पे एक स्टेटस आता है टैली में ही, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टैली में ही एक टैली सर्विस स्टेटस आता है। अगर आप ई इनवॉइस बना रहे हैं कभी और आपको लगता है कि भाई ई इनवॉइस नहीं बन रहा, कोई एरर आ रहा है, तो टैली में ही हेल्प का एक ऑप्शन है, वहां पे आप अपनी सर्विसेज चेक कर सकते हो। टैली की सर्विसेज, ब्राउजिंग की, रिमोट की, डेटा सिंक्रोनाइजेशन की, ई इनवॉइसिंग की, ये सारी सर्विसेज स्टेटस में आपको यहाँ पे टिक मिलेंगे। और अगर आपका ई इनवॉइस पोर्टल पे भी कोई इशू है तो वो भी आपको थर्ड पार्टी सर्विस में यहाँ पे दिखाएगा, ई इनवॉइस सिस्टम सर्विसेज स्टेटस। यहाँ पे अगर आपका क्रॉस आता है रेड में तो इसका मतलब वो सर्विस नहीं चल रही है। ये भी फीचर आपको टैली में ही मिलेगा। आगे चलते हैं। यू विल नेवर नीड टू गो आउट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर ई इनवॉइसिंग। आपको ई इनवॉइसिंग के लिए और ईवे बिल के लिए प्रोडक्ट से अलग या बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टैली से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, टैली से ही आपका इनवॉइस बनेगा, टैली से ही आपका ईवे बिल बनेगा। आगे चलो। ये टैली में, टैली प्राइम में, अगर जो लोग टैली प्राइम यूज कर रहे होंगे अभी तो उनके पास कुछ इस तरीके से एक फीचर्स का, एक F11 का फीचर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपना जीएसटी वगैरह डाल के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। उसी में ही आपको ईवे बिल और ई इनवॉइस की डिटेल भी मिलेगी। यहाँ से आप अपना ईवे बिल और ई इनवॉइस दोनों के दोनों फीचर इनेबल करके
इनवॉइसिंग स्टार्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। जैसे ही हम इनेबल करेंगे इस विंडो पे आ जाएंगे हम। ये रहा एक डेमो इनवॉइस का। यहाँ पे आपको जैसे ही आपने इस फीचर को इनेबल किया है और आप एक इनवॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको बिल कहाँ से भेजना है, वो हम इंप्लीमेंट के पार्ट में बताएंगे, ये अभी इंट्रो है। सेम ऐसे ही अगर किसी का इनवॉइस के साथ ईवे बिल भी है तो यहीं पे ही ईवे बिल और इनवॉइस दोनों का ऑप्शन मिलेगा, इसको यस करके आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके से इनवॉइस हमारा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्यूआर कोड आएगा, आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट, और जो फॉर्मेट रहेगा वो एज इट इज टैली का ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं। इनवॉइस जनरेट विथ एन एक्टिव टीएसएस सब्सक्रिप्शन। अगर टैली का सब्सक्रिप्शन किसी का एक्सपायर्ड है तो उस पर इनवॉइसिंग नहीं बन सकता। लेटेस्ट रिलीज होनी चाहिए टैली प्राइम की। अगर किसी के पास टैली प्राइम नहीं है या ईआरपी 9 है और एक्सपायर्ड नहीं है तो वो अपना टैली ईआरपी 9 अपग्रेड कर सकते हैं और इनवॉइसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट था वो यहीं पे खत्म है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू महेंद्र जी। एम आई ऑडिबल? आप मतलब सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। तो सर इसमें महेंद्र जी ने काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है कि इनवॉइस टैली के थ्रू कैसे बनेगा। इसमें एक और एक एडिशनल वर्किंग करनी होगी, जो आपका ऑनलाइन जो इनवॉइस का पोर्टल है वहां पे आपको जाके लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट करना पड़ेगा और वहां से वो जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपको अपने टैली में डालने पड़ेगा। इनवॉइस की वर्किंग स्टार्ट होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, महेंद्र जी काफी टाइम से टैली में ही काम कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली इनके पास 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और अभी ये लोग टैली जो यूजर्स हैं उनको सर्विसेज भी दे रहे हैं रिगार्डिंग इनवॉइस, जिसमें फुली इंटीग्रेशन टैली से इंटीग्रेट करना जो पोर्टल है वहां पे जाके जो भी टैली में आपको फीचर्स एड ऑन कराने हैं या जो भी आपको उसमें वर्किंग करनी है वो महेंद्र जी करके देते हैं सारे क्लाइंट्स को। और उसके अलावा जो आपका टैली से जो आपका इनवॉइस है उसकी वो ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड करते हैं कि आपको टैली से कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे उसमें जनरेट करनी है, कैसे करना है काम पूरा उसमें, तो वो काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। एंड मतलब इन्होंने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500 क्लाइंट्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग दी हुई है इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग एंड ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो इनवॉइसिंग और कोई भी क्वेरीज होती है तो वो आप अभी भी पूछ सकते हैं और कुछ अगर फर्दर डिस्कस करना या ट्रेनिंग चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बहुत नॉमिनल चार्जेस ये चार्ज करते हैं, ज्यादा कोई फी चार्ज नहीं करते हैं ये, काफी नॉमिनल चार्जेस हैं। तो उसके लिए जो भी आपको अगर किसी को अवेल करनी है सर्विस तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी को अभी कुछ क्वेरी करनी है तो एक बार वो डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब इनवॉइस के बारे में जो टैली मैक्सिमम यूजर्स तो टैली के लिए होंगे तो टैली से कैसे बनाना है इनवॉइस इन्होंने काफी सारी चीजें तो बताई दी हैं और स्टिल किसी को नहीं समझ आया तो वो एक वीडियो को फिर से देख सकता है और अगर उनको पर्सनली भी बात करनी है तो फिर वो पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या कुछ क्वेरीज है तो आप डिस्कस कर। एक मिनट जो है प्रतीक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर आवाज आ रही है आपकी। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप ये महेंद्र सिंह जी का कॉन्टेक्ट नंबर जो है से ग्रुप में मैसेज कर दें। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, जो ट्रेनिंग करने का सेशन है इसमें कितना टाइम लगता है एक आदमी को? सर इसमें हाफ एन आवर का टाइम लग जाता है, हाफ एन आवर से 45 मिनट का। अच्छा ठीक है, मान लीजिए एक घंटा पकड़ लीजिए तो ये पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रेनिंग कराएंगे या ग्रुप ट्रेनिंग भी करा सकते हैं?
नहीं, पर्सनलाइज कस्टमाइज ट्रेनिंग कराएंगे, क्लाइंट टू क्लाइंट उसके अलग अलग ट्रेनिंग कराएंगे। और ट्रेनिंग से सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ जनरल ट्रेनिंग होगी, आपके सिस्टम में आपके जो टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो सारी फीचर, हाँ वो सारी चीजें इंस्टॉल कराएंगे और सारी चीजें इंटीग्रेट कराएंगे वो, तो एंड टू एंड आपको कंप्लीट बना के दे देंगे कि आपको सिर्फ इनवॉइस बनाना है उसके बाद और कुछ नहीं करना, उसका सिर्फ डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, बस बस डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, वो आपका सारा काम वहीं से हो जाएगा। एक बार जो आप इनका चार्जेस भी लोगों को बता दें, वो टैली सिस्टम जिस पे नहीं है वो इंस्टॉल करेगा तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा और ट्रेनिंग का कितना चार्ज देना पड़ेगा, वो भी आप शेयर करा दें। दो तीन चीजें हैं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आपको कंप्लीट करिए अपनी बात। अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ, इसमें तीन चीजें आती है, तीन चीजें आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास टैली नहीं है वो टैली ले सकता है, और जिसके पास टैली है बट उसका ओल्ड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, क्योंकि टैली प्राइम पे ही चलता है ईएनवॉइस, तो कोई ERP 9 यूज कर रहा है उससे पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो टैली प्राइम लेना पड़ेगा। और तीसरा, टैली प्राइम लेने के बाद आपको उसको इंटीग्रेट कराना है, उसको मतलब लिंक कराना है, तो आपको उसकी सर्विसेज मतलब कंप्लीट इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग सर्विस लेनी पड़ेगी। तो तीन सर्विसेज इनकी ये प्रोवाइड करते हैं, तो टैली ERP 9 तो आप जो ले सकते हैं इनसे, इंडिविजुअल यूजर का है और मल्टीपल यूजर का है, और वो तो जो मार्केट रेट होता है वही रेट होगा इनका, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका क्या नाम है अपग्रेड कराना है, तो अपग्रेड भी सेम वही, जनरली ये जो लेते हैं वो अराउंड 7,000 से 8,000 के बीच में लेते हैं, बट फॉर द एसोसिएशन उन्होंने 50% फीस रिड्यूस कर दी, बिकॉज एक नॉर्मल कॉज सोशल कॉज के लिए भी मतलब पूरे ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो 50% रिड्यूस कर दिया, तो 4,000 ये चार्ज कर रहे हैं फॉर द एंड टू एंड इंटीग्रेशन एज वेल एज फॉर द ट्रेनिंग। तो सारी चीजें उसमें आपको बताएंगे, 45 से 1 आवर का सेशन होगा इनका, जिसमें सारी चीजें बताएंगे, आपकी सारी क्वेरीज को क्लोज करेंगे वहां पे। तो और मतलब अगर कोई वैसे भी कोई बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे कनेक्ट करके सब फिर डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वन टाइम सेशन ओवर हो गया फिर उसके बाद कोई कॉल नहीं बात नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज अ वेरी हेल्पफुल एंड जॉयफुल पर्सन, तो मतलब कभी भी कोई भी क्वेरी आती है तो ये कभी भी किसी को मना नहीं करते, तो यस, सो यू कैन अवेल द सर्विस और यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। सर दीपक भाई बोलो, बड़ोड़ा जी। हाँ जी बोलो बोलो भाई दीपक भाई। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे कभी काफी डीलर्स बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन करते हैं, जो फैक्ट्रीज को बाद में अपना जो प्रॉफिट जनरेट करके इनवॉइस इशू करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ईवेन दोबारा जनरेट नहीं होता है, सिर्फ वो अपना कमीशन एड करके फैक्ट्री को इनवॉइस इशू कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? सर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप कोई भी B2B ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको इनवॉइस तो करना पड़ेगा जनरेट। ओके ठीक है, तो आप अपने बिल पे जीएसटी भी चार्ज करोगे और आगे वाला सामने वाला पर्सन इस पे क्रेडिट भी लेगा, तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा वन थिंग मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये और बता दूं, जो आपकी जो इनवॉइस बन रहा है
तो इससे आपकी जो मंथली रिटर्न जाती है आपकी जीएसटी R1 वो ऑटोमेटिकली बी टू बी इनवॉइसेस अपने आप ही पोर्टल पे चले जाएंगे, आपको फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, ठीक है। और हाँ जी, तो जो भी आपके बिल टू शिफ्ट वाले केसेस है उनमें सब पे करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।